नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर मोड में। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का सीरीज वाइज जो ट्रेडिंग अवेलेबल है एक्सचेंज 22 पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, जैसे जैसे इसमें मैच हो रहे हैं ना, तो ये दो दो करके टीम रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि दो दो टीम के प्लेयर रिलीज़ कर रहे हैं जैसे जैसे मैच हो रहा है। जैसे कि आज के जो मैच थे उनके प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आज के मैच में जो प्लेयर आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैच आते रहेंगे मैं आप लोगों को सजेशन देता रहूँगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर कुछ अर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एक्सचेंज 22 पे, चैनल को चेकआउट कर सकते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हो और अपना शुरू कर सकते हो कुछ ना कुछ अर्न करना, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैच होने वाला है द 100 वुमेन का, जो कल मैच होने वाला है, उस दो टीमों की यहाँ पे पिक्स अवेलेबल हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें वो पिक अवेलेबल नहीं है, बट मैं श्योर आप लोगों को बोलता हूँ कि जितनी भी आप लोगों पे इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, एमिलिया कर जब अवेलेबल होगी, जितने ही प्राइस में अवेलेबल हो, 400 तक में भी अवेलेबल हो, आप लोग उसको डेफिनेटली बाय कर लेना। मेरी वो टॉप प्रायोरिटी और टॉप पिक है सीरीज़ वाइज में वुमेंस वाले मैचेस में, क्योंकि बेस्ट प्लेयर हैं वुमेन जितने भी मैंने देखे हैं टेक्निक वाइज, तो उसको आप लोग डेफिनेटली पिक कर सकते हो। जैसे ही वो रिलीज़ होगी तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ पिक कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली जो आप लोग को पिक देख रही है, जो सबसे महंगी पिक है वो है हेली मैथ्यूज़ की, 410 में बाय है। क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। ये प्लेयर ना 410 में देख रहे हो आप, बहुत महंगी लग रही होगी, बड़ी कम से कम नहीं तो तीन मैच ऐसे देखे जाएगी जिसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट देखे जाएगी। ये 20 की 20 बॉलिंग कर बॉल डालेगी, 100 में 20 बॉलें भी डालेगी, ठीक है, एंड में और स्टार्ट में भी बॉलिंग डालती है, ठीक है। ये ओपनिंग करेगी, ठीक है, और बहुत ही सॉलिड टेक्निक है इसकी, बहुत ही जल्दी जल्दी रन स्कोर मारती है, चौके छक्के मारती है, साथ ही साथ ये फील्डिंग पोजीशन में रहती है, हर तरफ से कंट्रीब्यूट करके दे सकती है भाई। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देती है ये, तो इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हो। 410 में ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डैनर रॉटन पे मैं खास ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये कभी कभार इससे बॉलिंग कराते कभी नहीं कराते, तो मैं इसको अवॉइड करके चल रहा हूँ क्योंकि रिस्की लग रही है मुझे। एक्लेस्टोन पे बहुत लोगों का ध्यान जाएगा, कैप्टन है, हर मैच खेलने वाली है, बहुत सारे लोग सोचेंगे इसको ले लेते हैं। T20 की नंबर वन बॉलर थी, बट रीसेंट टाइम में अगर परफॉर्मेंस देखोगे, रीसेंट टाइम के मैचेस देखोगे इंग्लैंड के जितने ही मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्रिकेट, ठीक है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपोरी है, उतनी विकेटें नहीं लेती जितनी स्टार्टिंग में आई थी और विकेटें ले रही थी, उतनी विकेट नहीं ले रही, बैटिंग भी कर सकती है, बट मैं इसको आप लोगों को चॉइस नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूँगा कि कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो इसको सेल आउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है सेल के लिए। लॉरा वुल्वर्डार्ट एक और बेहतरीन चॉइस बाय के लिए, सिर्फ बैटिंग करती है, बट मैं डेफिनेटली आप लोग को लिख के दे सकते हैं 300 से 450 मारेगी इस टूर्नामेंट में, सॉलिड बैटिंग है, और सबसे बढ़िया बात है विकेट नहीं देती है, टेक्निकली खेलती है, विकेट घेर के खेलती है और रुक के खेलती है, टिक के, जल्दी रन स्कोर करने को नहीं देखती, हमें पॉइंट से मतलब है, तो पॉइंट देने वाली प्लेयर है, इसलिए पिक करने के लिए अच्छी ऑप्शन है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जिन पे मैं ध्यान नहीं देने वाला, एमा लैम्प पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, कुछ शेयर्स के ही बाय कर सकते हो, डिसेंट परफॉर्मर है बट बहुत रेयर परफॉर्म करती है। सेल का एक और बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सोफी डंकले के नाम पे 230 पॉइंट, मुझे नहीं लगता ये परफॉर्म 230 पॉइंट दे पाएगी। सबसे पहली बात तो ये कोई टेक्निक नहीं है इसकी, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, बस बल्ला घुमा दिए, अगर चल गया तो कभी कभार चौके छक्के लगा देती है, 20-25-30 रन मार देती है, उससे ज़्यादा नहीं मारेगी, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है आप लोगों के लिए सेल के लिए। आप लोग चाहो तो इसको सेल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चॉइस है सेल के लिए। यहाँ पे कोई और अच्छे ऑप्शन हो नहीं, इस्माइल को आप लोग ट्राई कर सकते हो एज अ बाय ऑप्शन, बट ये मुझे लगता है कुछ मैचेस को हमेशा बिठाते हैं क्योंकि इसको कोई इशू आ जाते हैं हमेशा इंजरी के, तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा। लॉरा हैरिस अच्छी ऑप्शन है अगर 200 में आप लोग बाय करने की सोच रहे हो तो, अच्छी है, सॉलिड है, बट इनके भी मैचेस खेलने के चांसेस कभी कभी इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, बाकी यहाँ पे और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो फिलहाल ये जो दो मैच हैं जो कल के, उनकी पिक मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, बाकी जैसे जैसे मैच आएंगे मैं आप लोगों को पिक शेयर करता जाऊंगा, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मेंस 100 के मैच के बारे में बात करते हैं, कल जो मैच होने वाला है उसके जो पिक्स आप लोगों को अवेलेबल दिख रही हैं, जॉर्ज बटलर 350 में अवेलेबल हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, आप लोगों को पता है कि क्या कैपेबिलिटी है इनकी, सबको पता है, मेंस क्रिकेट तो हर कोई फॉलो करता है, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगी, आप लोग डेफिनेटली इनको पिक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, 350 पॉइंट्स किसी भी टाइम ये दे सकता है, ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है यार, ये 100 भी मार सकता है 100 में, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। फिलिप सॉल्ट भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ब्रेस्टो भी अच्छा प्लेयर है, जो क्लर्क भी अच्छा प्लेयर है, बट जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जिसको आप लोग बाय कर सकते हो वो है यहाँ पे डेविड विली। इसका एक सॉलिड रीज़न ये है, स्टार्टिंग एंड में बॉलिंग भी करेगा, ठीक है, बैटिंग करता है, बैटिंग में भी इतनी जल्दी हिट नहीं मारता, टिक्के खेलता है, सिंगल डबल खेलता है और पॉइंट दे सकता है, अच्छी चॉइस है, ठीक है। पॉल वॉल्टर ट्राइबल है ज़्यादा, लॉरी इवान बहुत ही बेहतरीन चॉइस है, ये भी बहुत ही हार्ड हिटिंग करता है और इसके जो बल्ले पे चढ़ती है ना, जिस दिन ये रन मारता है उस दिन भाई बहुत ही ईजिली 80-90 मार देता है,
30-35 बॉलों में बहुत ही बढ़िया प्लेयर लगता है मुझे तो, आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो बेस्ट चॉइस मैंने आपको बताई थी यहाँ पे डेविड विले के नाम पे है, और यहाँ पे अगर बॉटम में जाए ग्लेन फिलिप्स को एज ए बैट्समैन दिया हुआ है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ऐसे टूर्नामेंट्स है उसमें बॉलिंग भी करता है और ऑफ स्पिन डालता है, विकेट्स भी लेता है, और रिकॉर्ड चेक कर सकते हो गूगल पे, बहुत ही शानदार इसने विकेटें ली हुई हैं और टर्न भी मिली हुई है इसको, तो अच्छी चॉइस हो सकता है। जो यहाँ पे बेस्ट चॉइस देखने को मिलेगी तो इन दो टीम्स में कोई भी अच्छी चॉइस मुझे खास दिख नहीं रही है, फोकस चॉइसेस जो होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे जैसे मैच आएंगे। जेक बॉल अच्छी चॉइस है, ये विकेट ले सकता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, इंग्लैंड के लिए खेलता था एक टाइम पे, ये और एलेक्स हिल्स दोनों खेलते थे, दोनों बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी टेक्निक से खेलते हैं, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, कुछ इशू आया था उसके बाद से इनको इंग्लैंड ने मौका नहीं दिया, दोनों बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। जेक बॉल को आप लोग ले सकते हो, इंग्लैंड के लिए खेले हुए हैं और जितने मैच इसने इंग्लैंड के लिए खेले बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी थी, यॉर्कर बहुत ही अच्छी डालता है, ठीक है। शाहीन अफरीदी भी अवेलेबल है, बट मैं एज अ बॉलर को सजेस्ट नहीं करूँगा 250 बाय करने का, ठीक है 20 पॉइंट मिल रहे हैं इसमें, तो इसको टेक्निकली 12-13 विकेटें लेनी पड़ेंगी, और जो हाईएस्ट विकेट टेकर 100 के टूर्नामेंट में जाते हैं वो 15-16-17 विकेट से ज़्यादा कोई नहीं लेता है, वो हाईएस्ट विकेट टेकर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता शाहीन अफरीदी 13 या 14 विकेट ले पाएगा, इस वजह से मैं इसको नहीं पिक कर रहा, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। बॉलर्स को तो मैं डाउट ही करूँगा क्योंकि 20 पॉइंट देते हैं वो, ऑलराउंडर्स पे और बैट्समैन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, लगते ही बॉल जा रही है, हालांकि पहले मैच में थोड़ी विकेटें ज़्यादा गई हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बैट्समैन और ऑलराउंडर पे फोकस करो, बॉलर्स को सेल आउट करने के लिए देख सकते हो, बॉलर्स को डेफिनेटली सेल कर सकते हो खास करके, क्योंकि अगर आप लोग लगा के चलो तो 20 पॉइंट मिलते हैं एक विकेट के, और जो इनकी टूर्नामेंट के स्टैट्स निकालोगे तो 14-15 ये हाईएस्ट विकेट जाती हैं पूरे टूर्नामेंट जब एंड होता है 32 मैचों के बाद, ठीक है, तो उस हिसाब से लगाया जाए तो एक प्लेयर को 13 विकेट लेनी पड़ेगी 250 पॉइंट देने के लिए, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक आधी कैच ले भी ले, 4-5 कैच ले ले तो भी उसको कम से कम 10 या 11 विकेटें लेनी पड़ेंगी जो कि बहुत हार्ड है, तो बॉलर्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये कल के मैच के लिए मेरी सजेशन सीरीज़ वाइज आपकी ये है, कोई भी मेरी और सजेशन होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा मैं, और आप लोग चैनल को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो और कुछ पॉजिटिव कमेंट छोड़ सकते हो कि पिछले 10 मैच का अगर रिकॉर्ड देखें तो हम उसमें से 8 मैच जीते हैं, 1 मैच नो प्रॉफिट नो लॉस पर आए, ठीक है, जो वुमेंस वाला था उसमें लॉस हुआ है, 1 लॉस 1 नो प्रॉफिट नो लॉस और 8 विन, उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जीतते नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली फॉलो करो, सीखो और अपने आप खेलना शुरू करो, और डेफ़िनेटली आप लोग सीख जाओगे कि कैसे आप लोग पैसे बना सकते हो। आज के जो मेरे मैचेस थे वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं, उसकी भी मैं विनिंग शेयर कर दूंगा कम्युनिटी बार में, या तो मैं सिंपली आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए या शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में नहीं देखते रहे एक्सप्लोर में, वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। धन्यवाद।